बैंक रॉबरी 2000 नोट्स। एक गांव में चोर निलय नाम का एक घर था। उस घर में कई पीढ़ियों से चोरों का ही परिवार रहता था। इस पीढ़ी का प्रतिनिधि था मुन्ना। उसके घर के दीवार पर उनके दादा परदादा की तस्वीर टंगी थी, जो दाढ़ी मूछों के साथ चोर के भेष में थे। मुन्ना उन तस्वीरों को प्रणाम करके चोरी के लिए घर से निकलता था। हर बार चोरी करते हुए मुन्ना पकड़ा जाता और खूब मार खाता। ये उसकी आदत हो गई थी। जैसे ही शाम होती, मुन्ना लंगड़ाता हुआ घर लौटता। ये देखकर उसके पिताजी, लानत है। अरे बेटा, तुम इस चोर वंश के नाम पर एक धब्बा हो। तुमने एक भी चोरी ठीक से नहीं की है। मुझे तो ये कहते हुए शर्म आती है कि ये चोर मेरा बेटा है। तब मुन्ना, अरे बापू, तुम्हारे वक्त पर टेक्नोलॉजी नहीं था, इसीलिए तुम लोगों ने मजे से चोरी की। ये जमाना ऐसा नहीं है, यहाँ तो चोरी करते हुए लाइव टेलीकास्ट होता है। तुम देखते जाओ, एक ना एक दिन मैं ऐसा चोरी करूँगा कि अपने खानदान का नाम रोशन करूँगा। एक दिन मुन्ना किसी और गांव में गया। वहां सब लोग ना जाने कहां दौड़े जा रहे थे। मुन्ना ने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसे रोककर, के भैया, क्या हो गया? तुम सब यूं भाग क्यों रहे हो? क्या मुसीबत हो गई है? तब वो आदमी, अरे कोई हादसा नहीं हुआ है। हमारे गांव का शेखर है ना, उसे 2000 रुपए का नोट मिला है, वो देखने के लिए सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहकर मुन्ना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां दौड़ा। जब वहां पहुंचे तो उन सब ने देखा कि शेखर अपने हाथ में 2000 का नोट लेकर हवा में हाथ हिलाते हुए पागलों की तरह नाच रहा था। शेखर, अरे देखा है पहली बार 2000 का नोट मेरे यार, टंग 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 टंग, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, टंग 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 टंग, कह के झूमता हुआ गा रहा था। कुछ लोगों ने जाकर शेखर की खूब मिन्नत करके 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेने लगे। तभी गांव का सरपंच आया और, मेरे प्यारे गांव वालों, बहुत पहले 2000 के नोट हमें दिखाई दिए थे, उसके बाद वो कहां गायब हो गए, उनका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। इतने दिनों बाद शेखर के हाथ एक 2000 का नोट लगा है। इस 2000 रुपए के नोट का हमारे गांव में आना इतना ही खास है जैसे RRR को ऑस्कर अवार्ड मिला हो। इस शुभ अवसर पर गांव में हम सब शेखर का सम्मान करना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है? यूं पूछा, तब सब हाँ हाँ कहकर चिल्लाने लगे। ये सब देखकर मुन्ना के दिमाग में एक उपाय सूझा। अरे और कितने दिन मैं यूं छोटी छोटी चोरियां करूंगा, इस बार किसी तरह बैंक को लूटना होगा, फिर उन पैसों के साथ जिंदगी सेटल हो जाएगी और अपने खानदान का नाम भी मैं रोशन करूंगा। ऐसा सोचा। बाद में उसने एक बैंक के दीवार में छेद बनाना शुरू किया। फिर वो एक रस्सी की मदद से बैंक के छत पर चढ़ा। वहां उसने बैंक के छत पर एक छेद बनाया और अपने कमर में रस्सी बांधकर वो बैंक के अंदर घुसा। फिर खूब मेहनत करके उसने बैंक के लॉकर को खोला। लॉकर के अंदर उसे सिर्फ 2000 के ही नोट दिखाई दिए। मुन्ना ने एक बोरी लिया और उन सब नोटों को उन बोरियों में भर दिया। वो घर आकर अपने माँ बाप के सामने बड़े गर्व के साथ अपने कारनामे के बारे में बता रहा था कि तभी टीवी में, नालायक टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज ही रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वो 2000 के नोटों को बंद कर रहे हैं। जिनके पास 2000 के नोट हैं, वो बैंक के अपने खाताओं में सितंबर 30 तारीख से पहले जमा कर दें, या फिर बैंक जाकर 2000 रुपए के नोट के बदले दूसरे नोट ले लें, लेकिन एक दिन में केवल 20,000 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। यूं वो घोषणा करने लगा।
ये सुनकर मुन्ना के बाप ने मुन्ना को जोर से एक थप्पड़ मारा। अरे कमीने, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता, निकम्मे, अब देखो क्या हो गया। तब मुन्ना, अरे बापू तुम समझते नहीं हो, अब क्या हो गया, हम ये सारे पैसे बैंक में जमा कर दें तो मुसीबत टल जाएगी ना। तब बाप ने उसे फिर से एक थप्पड़ मारा। अरे नालायक, तब इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। हमें हर रोज बैंक जाना होगा और 20,000 के नोट बदल कर लाना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है अपने पास। तब मुन्ना, अरे बापू तुम सठिया गए हो, इतने सारे नोट सितंबर 30 तारीख से पहले कैसे बदलेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम लोगों को ये नोट देकर इसे बदलने को कहते हैं और बदले में उन्हें थोड़ा कमीशन देते हैं। तब उसके बापू, मुझे ये ठीक नहीं लगता बेटा, ये खतरनाक है। तब मुन्ना गुस्से में कह के जोर से चिल्लाने लगा। इस तरह मुन्ना ने कुछ लोगों से बात की और उन्हें पैसे देकर उन्हें बदलने को कहा। एक दिन मुन्ना बैंक के पास एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। वो व्यक्ति, सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कम कमीशन में ही आपके लिए पैसे बदल कर लाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए सर। मुन्ना, कम कमीशन में पैसे बदल कर लाओगे, वैसे ये खबर तुम्हें किसने दी, तुम हो कौन। तब वो व्यक्ति, उन्होंने बताया, कहकर कुछ लोगों की तरफ इशारा किया। वहाँ कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ रखा था। मुन्ना भागने लगा तो उस व्यक्ति ने मुन्ना का गला दबोचा और, क्यों रे कमीने, 2,000 रुपए के नोट छापना बहुत पहले बंद कर दिया था, क्योंकि ये आजकल के नेता और बिजनेस वाले इसे काले धन के रूप में बदल के रखा है, इसीलिए सरकार ने इन नोटों की बंदी की है। और तुम बैंक में जाकर चोरी करते हो, तुम समझते हो कि हम पुलिस वालों को तुम्हारे बारे में पता नहीं है, नालायक, अब जेल की हवा खाओ। कहकर उसे ले जाकर जेल में डाल दिया।